हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर्स बनी जी और बाकी सब बनी के आए मेरे प्यारे बनीवासी सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सब अमनदीप हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स का और अमनदीप हॉस्पिटल के स्टाफ का वेलकम करता हूँ कि उन्होंने इतने दूर दराज बनी के इलाके में एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने का इनिशिएटिव लिया। और मैं अब्दुल गनी जी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कैंप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किया और ऐसे कैंप को ऑर्गेनाइज किया और वो ऐसे जो सोसाइटी में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जैसे कि प्लांटेशन ड्राइव करना हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के काम हो, इस तरह के वो काम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। तो जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि वो रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी एक्टिव हैं, रिटायरमेंट की एज आने तक काफ़ी लोग जो है वो घर बैठ के अपनी रिटायरमेंट का वेट करते हैं कि हम कब रिटायर होंगे और आराम करेंगे, लेकिन गनी जी रिटायरमेंट के बाद भी एक यंग और एनर्जेटिक सोल्जर की तरह काम पे लगे हुए हैं और लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। तो मेरा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और अमनदीप हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प हो यहाँ पे फ्यूचर में भी कैंप्स ऑर्गेनाइज करें आप, और जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि इन्होंने बोला आप नेक्स्ट टाइम जो है वो कैंप किसी गाँव में रखें तो जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।